हेलो व्हाट्सअप का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारे सीनियर सर बताएंगे आपको कि कंपनी हमें आपको पैसा कैसे देगी, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे। साथ साथ जाका टोकन से हमें पैसा कैसे मिलेगा, FS1 FS2 के फ्यूचर से हमें पैसा कैसे मिलेगा, और टोटल जानकारी आज हमारे सीनियर सर देंगे आपको कि कंपनी कैसे आपको इनकम देगी, उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों तो आपको सुनना है, ध्यान से, हल्ला नहीं करना है, समझना है। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना है, समझना है, तो सुनिएगा ध्यान से जो सर बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, न्यू एरा पैकेज 2 जो 2.0 यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके अंदर बायबैक प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर जो न्यू एरा पैक आप लोग ले रहे हैं वहाँ पर जो है आपको जो फ्यूचर शेयर है 0.20 के रेट से स्टार्ट हुआ था और आज की रेट में 0.38 यूरो हो चुका है। यानी कि रेट इसका लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग इम्प्लीमेंट देख रहे हैं कि लोग परचेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेट बढ़ रहा है, और ये जैसे ही 0.45 या 0.46 जाएगा तो उसके बाद कंपनी जो है उसके वहां तक या उसके पहले कंपनी का डिसीजन मान्य रहेगा कि कंपनी जो है इसको रोक देगी और बायबैक जो प्रोग्राम है वो शुरू कर देगी। आने जो पुराने लोग हैं जिनके पास फ्यूचर शेयर है वो फ्यूचर शेयर 1 कहलाएगा, वो उनको सेल कर पाएंगे जैसा कि हमने पहले ही बताया था। और जब ये बायबैक प्रोग्राम शुरू होगा तो यहाँ पर जो फ्यूचर शेयर 2 वो भी लोग बैक जो है सेल कर पाएंगे। अब जो फ्यूचर शेयर 2 सॉरी बायबैक अपना न्यू एरा पैकेज 2 है, इसमें काफ़ी फायदे लोगों को मिल रहे थे। यदि आप लोगों को फायदे नहीं पता है तो अपनी अपनी आईडी में जाके एक्टिवेशन वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो में आपको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। क्रिप्टो भी मिल रहा है आपको, आपको वाउचर्स भी मिल रहे हैं, आपको फ्यूचर शेयर भी मिल रहे हैं, और जो आज के रेट के अकॉर्डिंग है वो आपको फ्यूचर शेयर मिलेंगे और कंपनी फिर इसके बाद सब शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप सभी को पता है। अब बाकी हम लोग न्यूज़ लेटर का वेट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट है काफ़ी लोगों में, और किस तरीके से जो है अल्फा टीम की जो मीटिंग्स होती है या उसमें टेलीग्राम पे जो संदेश आते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो अभी ईहा जो है वो तो पूरा गेम चेंजर का प्रोसेस उसका चल रहा है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो करने वाला है। जाका में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम रूप को अंतिम रूप देने के लिए 29 जून को कार्डानो ब्लॉकचेन पर वासिल हार्ड फोर्क अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सदस्य माइग्रेट कर सके, ताकि वे युग में हिस्सेदारी कर सके और फिर कमा सके। इस बीच कंपनी और सदस्यों के लिए भी लाभ यह है कि स्टेकिंग के साथ जाका टोकन की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो डेट दी 29 जून, और देखिए आपको पता है कि जो डेट 29 जून का मतलब ये कि ये जो कार्डानो ब्लॉकचेन पर जो है हार्ड मतलब कि इनका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहाँ पर ये इसके साथ लिंकअप या जो भी इनकी सेटिंग है उस तरीके से ये काम करने वाला है, और यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सदस्य माइग्रेट कर सके, यानी कि जितने भी आप हम सब लोग हैं हमारे जाका टोकन को जो है माइग्रेट कर सके या अपनी जाका की आईडी अपनी जालाइफ की आईडी से वहाँ पर लेके जा सके। तो जाका का वही है 0.5 सेंट होने के साथ ही ये सारी चीज़ें हो जाएगी, या उसके पहले भी कंपनी डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर जालाइफ में जितने भी लोगों के पास जाका टोकन पड़े हैं उनको जब वो यहाँ जाका में कन्वर्ट होंगे तो वो जाका टोकन कहलाएंगे। तो जो जालाइफ में जितने भी टोकन सभी के पास पड़े हैं उनको वहाँ पर एक जो है कोड दिखेगा, उस कोड को कॉपी करके, यानी जब इस ये प्रोसेस आपको बाद में दिखेगी, अभी एक नॉर्मली हम आपको बात बता रहे हैं कि वहाँ से कोड के माध्यम से आप अपने क्रिप्टो को जाका की वेबसाइट पे लेके आ पाएंगे, और यहाँ पर आते ही आपका जाका टोकन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, सारा क्रिप्टो यानी रियल क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाने वाला है। फिर आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी को खरीदना बेचना वो भी कर सकते हैं। तो ये लोग 29 जून का भी वेट कर रहे हैं कि कार्डानो ब्लॉकचेन पर ये इसके साथ जो है लिंकअप हो जाएगा, है जो भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता की गंभीरता के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में डेबिट कार्ड के आगमन की प्रतीक्षा करना चाहिए। देखिए आप सभी को पता है कि डेबिट कार्ड अभी तक किसी के पास नहीं आया, अभी तक उसकी कोई कॉपी भी देखने को नहीं मिली, ना ही किसी ने अभी तक कोई रिसीव किया है। हाँ, ये न्यूज़ लेटर में था कि 2 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी के पास आया नहीं। क्या उसका प्रोसेसर चल रहा है क्या है वो न्यूज़ लेटर में ही कंपनी खुलासा करेगी कि कब तक आपको मिल जाने वाला, किस प्रोसेस से मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने में, या बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सारी जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम आएगी कंपनी उसके अकॉर्डिंगली उनका सॉल्यूशन निकालेगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आगे चल के जो है डेबिट कार्ड की। तो इन्होंने कहा है कि कंपनी अपने बायबैक कार्यक्रम के माध्यम से सदस्य को भुगतान करना चाहती है। तो बायबैक प्रोग्राम में भी देखिए लोग यहाँ पैसे कमाएंगे।
यानी जिन लोगों के पास फ्यूचर शेयर बहुत ज्यादा है वो अपने कुछ फ्यूचर शेयर बेच के अर्निंग करके, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल नेगेटिव अगर आप सोचते हैं, बिल्कुल नेगेटिव जाके जमीन पे जाके यानी सिर्फ 11 सुनो की बात सोचते हैं, तो आपके 11 सुनो क्या उससे कई हजार गुना ज्यादा आपके अमाउंट निकल जाने वाला है, क्योंकि बायबैक प्रोग्राम जैसे शुरू होगा तो लोगों के पास यहाँ पर वाकई में इनकम आएगी। अब देखिए कंपनी ने पोटेंशियल इनकम भी बताई हुई, आप सभी को पता है कि 1 साल में 1000 यूरो बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो देखिए कंपनी ने जो वो पोटेंशियल इनकम है वो एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में है, यानी कि एडवर्टीजमेंट आपके लेवल में जितने लोग देखेंगे उसी हिसाब से सेल्फ का आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपको अभी पोटेंशियल इनकम नहीं मिल रही है, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक इनकम ऑफ सोर्स कंपनी जनरेट कर रही है आपको, जाका के माध्यम से कह लीजिए, MLB के माध्यम से कह लीजिए, या बायबैक प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन आप अर्निंग जरूर करेंगे। और मैं नेगेटिव बात करूँ तो 1100 रुपये तो आपके वसूल हो ही जाने, क्योंकि अभी लोगों को अमाउंट जो बड़ा आएगा उससे दिक्कत नहीं है, 1100 से ज़्यादा दिक्कत है, यानी 1100 लगा के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं, तो उन लोगों के लिए सारी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाने वाला है। और यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग करके निकासी मेनू के प्रकट होने की पुष्टि, मतलब ये भी हो जाएगा जब आप क्रिप्टो वॉलेट में वहाँ से निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर पाएंगे या एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएंगे, या किसी को खरीदना है आपसे तो आपको पैसे दे के उतनी वैल्यू का आपसे खरीद लेगा, ये भी सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और जो है 29 तारीख को ये काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी बाकी। अब देखिए डेट तो कई बार कंपनी दे देती है, लेकिन आप सभी को पता है कुछ टेक्निकल इशू कह लीजिए या उस प्रोग्राम को लेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं उस चीज़ का कि क्या है, 29 जून को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम अच्छे अपडेट प्राप्त करेंगे और सोलाना और अन्य मौजूद क्रिप्टो की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, यानी कि जो हमें काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलने वाले, जो हमारा क्रिप्टो होगा दूसरे जितने भी क्रिप्टोज हैं उनकी तुलना में बेहतर होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब जो BTC, अभी BTC का हुआ कितना ज़्यादा हुआ करता था, BTC ने वो रैंक पा रखी थी जो आज तक कोई भी क्वाइन नहीं ले पाया, और BTC राजा महाराजाओं की तरह राज करता था। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं BTC बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, और आने वाले समय में कि जितनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्वाइन लेने वाली हैं, जैसे कि ऑन पैसिव हो गया, पर्ल वाइन हो गया, और या फिर आपका हमारा जाका हो गया, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जब अपने क्वाइन लेके आएगी तो आगे चल के बिटकॉइन भी जो है ना एक नॉर्मल रेशो में आ जाएगा, मतलब उतना बड़े लेवल का क्वाइन नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी इस समय जो लोग कंपेयर करते हैं BTC से करते हैं, उसका एक रीज़न है कि शुरुआत BTC से ही हुई है, जो सतोशी नाकामोटो उन्होंने उनके माध्यम से शुरुआत हुई थी, तभी ये क्रिप्टो की सारी जो करेंसी का प्रोसेस है वो चलन में आया था। तो आगे चल के जो BTC है ना, इसका एग्जांपल भी लोग देना बंद कर देंगे, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि BTC डूब जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस लेवल पे आ जाएगा कि इक्वली, मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन आने वाले जो बड़े समय के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अपनी कम्युनिटी बड़ी बड़ी कम्युनिटी के साथ आ रहे हैं, तो उनके जो क्वाइन मार्केट में रन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू के हो जाने वाले हैं, हो सकता है BTC से ज़्यादा वो क्रॉस कर जाए, ये हकीकत है, ये आने वाला समय मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समय एक सा कभी नहीं होता दोस्तों, समय हमेशा बदलता रहता है, हर चीज़ का एक दौर होता है, एक समय होता है। पुराने समय में पुराने सुपर हीरो होते थे, एक्टर होते थे, उनका सब दौर था, आज नए हीरो हैं, नए कलाकार हैं, उनका दौर है, ठीक है। कभी आप बच्चे थे, कभी आप जवान थे, कभी आपकी धाक होती थी, आज आप बुढ़े हो गए हैं तो आपका कोई आपको पूछता नहीं, तो हर एक समय आता है, तो आज हमारा भी समय है, कल आपका भी है, परसों, मतलब समय जो है, समय चक्र ऐसा है कि हर चीज़ को परिवर्तित कर देता है और बदल भी देता है। तो ऐसा नहीं कि BTC हमेशा राजा बना रहेगा, हो सकता है BTC को छोड़ते हुए कई बड़ी बड़ी कंपनी के ऐसे क्रिप्टो आ जाएंगे जो कि हर जगह यूज भी होंगे और तेजी से उनकी कम्युनिटी बढ़ेगी और बहुत उनका ग्रो होने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सब अभी नहीं होगा, एकदम से आने वाले समय में होगा, और आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाने वाला है। आप जो नोट, कागज के नोट है, ये सब खत्म हो जाएंगे, पूरी डिजिटल करेंसी हो जाने वाली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि बेनिफिट अब यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो काफ़ी यहाँ पर अपडेट्स हैं, और अभी जो रेट चल रहा है अपना क्रिप्टो का 0.38 है, आप जो भी पैकेज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए वेट करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।